मैं आज बना रही हूँ एक क्रीमी लाइट मूसी डिजर्ट जिसका नाम है पाइनएप्पल मूस। अगर आपके पास करेक्ट टेक्निक हो और करेक्ट इंग्रेडिएंट्स हो, इट्स वेरी वेरी सिंपल। क्रीम को गरम कीजिए और इसको उबालेंगे नहीं, सिर्फ गरम करना है। और फिर इसमें मैं मेल्ट करने वाली हूं व्हाइट चॉकलेट। तो क्रीम गरम हो चुका है, इसमें डालेंगे व्हाइट चॉकलेट। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। जैसे ये क्रीम ठंडा होता जाएगा, इट बी मोर डिफिकल्ट टू मिक्स इट, तो जल्दी से ये कीजिए। देयर वी आर, ओके, दैट्स रेडी। इसको डालते हैं एक बोल में। अब इस व्हाइट चॉकलेट गनाश में जेंटली फोल्ड करेंगे व्हिप्ड क्रीम। तो पहले थोड़ा लीजिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, ओके? और जब ये अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट हो जाए, हम जेंटली फोल्ड करेंगे बाकी का क्रीम। तो हमारे मूस का बेस मिक्सचर रेडी है। इसमें अब ऐड करेंगे ये लवली फ्रेश पाइनएप्पल चंक्स। दैट ऑलरेडी लुक्स यम्मी। हमेशा जब आप किसी फ्रूट या नट या क्रंची चीज को मूस में डालने वाले हैं, उसको लास्ट में डालिए ताकि आपका मिक्सचर पहले अच्छी तरह से मिक्स हो सके, एंड देन ऐड द फ्लेवरिंग। You know what? My mousse is done. और मैं इसको डालने वाली हूं इन लवली से ग्लासेस में। I actually love desserts in glasses. Shot glasses, martini glasses, water glasses. और याद रखिए कि मैंने इसमें चीनी नहीं डाली, क्योंकि जो व्हिपिंग क्रीम मैं यूज कर रही हूँ उसमें ऑलरेडी चीनी है, वो स्वीट है। अगर आप फ्रेश क्रीम यूज कर रहे हैं तो जरूर हाफ कप शुगर ऐड कीजिए। सो लेट्स पुट इन सम मूस। तो मैं जल्दी से मेरे मूस को फ्रिज में सेट होने के लिए रखती हूं, एटलीस्ट आधे घंटे के लिए। जी हाँ, ये सेट हो गया है। और ऑफ कोर्स इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, तो मेरे पास है इसके लिए कुछ कैरमलाइज्ड पाइनएप्पल। ये देखिए, छोटे छोटे पाइनएप्पल के टुकड़े। पहले फ्राइंग पैन में चीनी डालिए। चीनी जब मेल्ट हो जाए, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाए, उसमें डालिए छोटे छोटे पाइनएप्पल के टुकड़े। उसको मिक्स कीजिए, एज सिंपल एज दैट। इट्स रादर स्टिकी, तो शायद आपको दो चम्मच लगेंगे इसको डालने के लिए। माय फ्रेश लाइट पाइनएप्पल मूस आपके लिए। चार सर्विंग्स फ्रेश एंड लाइट पाइनएप्पल मूस बनाने के लिए
आधा कप क्रीम गरम करें। गरम क्रीम में आधा कप व्हाइट चॉकलेट मिक्स करके उसमें दो कप व्हिप्ड क्रीम को फोल्ड इन करें। एक कप छोटे टुकड़ों में कटे हुए पाइनएप्पल को क्रीम में मिक्स करके उसे शॉट ग्लासेस में भरें और सेट होने तक रेफ्रिजरेट करें। सेट पाइनएप्पल मूस को कैरामलाइज्ड पाइनएप्पल के टॉपिंग से गार्निश करके सर्व करें।